लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन मंदिरों में कंगना जा रही हैं, उनकी सफाई करवाना जरूरी है। विक्रमादित्य सिंह की इस टिप्पणी पर कंगना रनौत ने पलटवार किया, कहा कि जिस तरह से वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, भगवान उनको ठिकाने लगाएंगे। और मंदिरों में भगवान का आशीर्वाद किसको मिला है, ये 4 जून को पता लग जाएगा। प्रदेश के अंदर, मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ये बात घर कर चुकी है कि मोहतरमा का जो खान पीन की चीजें आज निकल कर आ रही है, आज जो ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जो हमारी देव संस्कृति को कलंकित करती है। और हमने ये कहा कि जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है। ये चीजें हम नहीं कह रहे हैं, आज ये देव नीति के लोग इस बात को कह रहे हैं कि देव संस्कृति के ऊपर जो ये प्रहार किया जा रहा है, आज जो हमारे देव नीति के विपरीत जो चीजें आज निकल कर आ रही है, जो आज व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, हर चीजों में लोग जिस चीज को देख रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। इस तरह के जो भी हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के जो अभद्र टिप्पणियां जो वो कर रहे हैं और बार बार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, भगवान उनको खुद ठिकाने लगाएगा। और जिस तरह से पता चल जाएगा 4 जून को कि किसको भगवान का आशीर्वाद मिला है मंदिरों में और किसको जो है वहां से जो है वो फटकार पड़ी है, ये 4 जून को पता चल जाएगा। और हिमाचल के बाद आपको बंगाल की राजनीति दिखाते हैं, जहां पर रामकृष्ण मिशन को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने टीएमसी को घेरना शुरू कर दिया है। झाड़ग्राम की रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि टीएमसी सरकार भी रामकृष्ण मिशन को बंगाल में धमकी देगी या आश्रम में तोड़फोड़ होंगे। ये कभी किसी देशवासी ने नहीं सोचा था। बंगाल में रामकृष्ण मिशन को धमकियां मिलेगी, आश्रम में तोड़फोड़ होगी, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार हद पार कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जोरदार प्रहार किया तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी को टिप्पणी करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा गया है। हालांकि इन सब के बीच उन्होंने सफाई दी है। सीएम ममता बनर्जी ने परोपकारी कार्यों के लिए रामकृष्ण मिशन या भारत सेवाश्रम संघ की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने नाम लेकर स्वामी प्रदीप्तानंद पर निशाना भी साधा। दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जिनके दिल में रामकृष्ण मिशन के संतों के लिए अलग स्थान है। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে নই, আমি কেন একটা ইনস্টিটিউশনের বিরুদ্ধে হবো? আর আমি অসম্মানী বা কেন করবো? আমি তো কয়েকদিন আগেও মহারাজ অসুস্থ ছিলেন, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, সেটা নয়। আমি বলেছি দু একজনের কথা, আমি আজ নয়, সাগরে গঙ্গাসাগরে ভারত সেবা সব সঙ্গে অফিস আছে, আশ্রম আছে, ওরা এত ভালো, ওরা সত্যি আমাকে খুব ভালোবাসে এবং মানুষের কাজ করে। আমি একটি লোকের নাম করে বলেছিলাম, তার নাম কার্তিক মহারাজ, তিনি আমাদের এজেন্ট বসতে দেয়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটের 2 দিন আগে মুর্শিদাবাদে যে দাঙ্গাটা করিয়েছিলেন তার হোতা ছিলেন উনি, আমি সেই জন্য বলেছিলাম। এবং বলে যাব, আগে অধীন করতেন, এখন বিজেপি করেন। মুর্শিদাবাদে মনে রাখবেন যে জায়গাটায় রেজিনগরে ইলেকশনের 2 দিন আগে দাঙ্গা করেছিল সেইখানটায় ওনার আশ্রম, উনি আশ্রম চালক, আমার কোনো আপত্তি নেই। পতা চলা হ্যাঁ জলপাইগুড়ি মে রামকৃষ্ণ মিশন কে আশ্রম মে কল রাত কো তোড়ফোড় কি গই হ্যায়। आश्रम में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है, उनको धमकी दी गई है। ये बंगाल को अब
किस तरह ले जा रही है टीएमसी सरकार। कभी बंगाल में रामकृष्ण मिशन को धमकियां मिलेगी, आश्रम में तोड़फोड़ होगी, क्या किसी देशवासी ने कभी सोचा था? लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार हद पार कर रही है। ममता दीदी, रामकृष्ण मिशन के स्वामी प्रदीप्तानंद पर गुस्सा क्यों है ये भी उन्होंने बताया और कहा कि अगर बीजेपी का प्रचार करना है तो सीने पर बीजेपी का सिंबल चिपका लें, चोरी छिपे समर्थन की जरूरत नहीं है। इस पर बीजेपी के स्टार प्रचारक हेमंत बिस्व शर्मा ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि बंगाल को दीदी ने संदेश खाली दिया है। तृणमूल एजेंट नहीं क्या बोलो, कार्तिक महाराज बोले तृणमूल एजेंट के हमला बसते देव ना, ओखने किछु लोक के खेपिए छे जरा थाना।